सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सर क्या कहेंगे, कल देर शाम से ही जो है जिला सचिवालय के सामने यहाँ हजारों किसान धरने पर जुटे हुए हैं, आप भी यहाँ पे रात को भी विश्राम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत लंबे समय से हम बैठे हैं, लोगों के अंदर आक्रोश पड़ रहा है और जिस तरह से जगह जगह लाठी चार्ज कर रहे हैं, करनाल में भी इन्होंने किया, तो उसके विरोध में जो है हम कल इकट्ठे हुए थे और उसके पहले 30 तारीख को इकट्ठे हुए थे और सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया था कि हमारी जो मांगे हैं मुआवजा देने की, अधिकारियों पर पर्चा दर्ज करने की, मरे हुए को नौकरी देने की, वो पूरी कर दें एक हफ्ते में, इन्होंने नहीं की। तो कल हमने घेराव का ऐलान किया था और घेराव कर लिया है और ये घेराव तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। सर पक्का मोर्चा लगा दिया है, टेंट आ गया है, दरिया आ गई है, लंगर प्रसाद आ गया, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत के लिए कोई नोता नहीं? प्रशासन की तरफ से कल बात हुई थी और तीन दौर की बात हुई है लेकिन टूट गई है, उन्होंने नहीं मानी है, तो इसलिए पक्का यहाँ पे वो जो है घेराव शुरू कर दिया है और ये तब तक कल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, अभी तक प्रशासन साइलेंट है और लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के भी सर नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, किसान भी पहुँच रहे हैं, कितनी जान मिलेगी ये धरने की? देखिए जान ही जान है, पूरा हरियाणा लगने के लिए तैयार बैठा है, जबरदस्ती जाम लगा रहे हैं कई जगह, हम तो रोक रहे हैं कि अभी ऐसा संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऑर्डर नहीं है, आप ना लगाइए, लेकिन लोग फिर भी जो है वो एक तरह से क्रोधित है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक प्रशासन मांगे नहीं मानता तब तक जो है उनका फिलहाल धरना जारी रहेगा। वही बात करें तो किसानों ने यहाँ पक्का मोर्चा जो है फिलहाल जिला सचिवालय के बाहर लगा दिया है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।